देश के नए संसद भवन का निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद नए संसद भवन का निर्माण कार्य काफी तेजी से किया गया। इस दौरान पीएम मोदी कई बार खुद निर्माण कार्य की प्रगति को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी मुलाकात की। आखिरकार अब वो वक्त आ गया जब पीएम मोदी 28 मई को वीर सावरकर की जयंती के दिन देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात कर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। माना जा रहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू की जाएगी। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी, जो लगभग 100 साल पुरानी होने के करीब है। लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में नई जरूरतों को देखते हुए उपयुक्त सुविधाएं नहीं थी और जगह कम होने की वजह से भी सांसदों के बैठने में दिक्कत हो रही थी। नए संसद भवन की इमारत पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने का उदाहरण है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। इसके तहत प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास, एक नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण और एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण इस परियोजना का हिस्सा है। रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ नए संसद भवन का निर्माण। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के साथ ही संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो लगभग पूरी तैयारी से बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 28 मई को पीएम मोदी करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अपने रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। संसद भवन को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को दिसंबर 2020 में दिया गया था। उस समय इसके निर्माण कार्य में आने वाली लागत 861 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन बाद में विशेष अतिरिक्त निर्माण की वजह से इसकी लागत बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। नए संसद भवन की क्या है विशेषताएं? संसद के नवनिर्मित भवन में पुराने संसद भवन की तुलना में कई सारी विशेषताएं हैं। 4 मंजिला नए संसद भवन में एक साथ 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सुरक्षा के कड़े और पहले से नए इंतजाम किए गए हैं। संसद भवन में तैनात मार्शल की भी ड्रेस नहीं होगी। पुराने संसद भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। वही तैयार नए संसद भवन में भविष्य की जरूरतों के अनुसार लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही होगा। संसद सदस्यों के लिए नए संसद भवन में एक लाइब्रेरी, एक लाउंज, कई समिति कक्ष, भोजन के लिए अलग स्थान और पर्याप्त पार्किंग की भी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। 28 मई को पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर संसद भवन के उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख को ही क्यों चुना गया। तो हम आपको बता दें कि इस दिन स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है, जिनके नाम पर कई बार देश की सियासत में बयानों का खूब दौर चला। आपको याद होगा कि जब लोकसभा में राहुल गांधी के अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर एक बयान के बाद सत्ता पक्ष उनसे माफी मांगने की मांग करने लगा, तो राहुल गांधी ये कहते सुने गए थे कि उनका नाम गांधी है, सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांग रहा। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते, तो जब ये लोग राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी के इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा। बीजेपी समेत शिवसेना ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था, राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं हो सकते, क्योंकि सावरकर बनने के लिए त्याग की जरूरत होती है। वहीं इस बीच 28 मई वीर सावरकर की जयंती के दिन नए संसद भवन के उद्घाटन होने की खबर के बीच बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में दादर स्थित सावरकर सदन में वीर सावरकर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। देखा जाए तो नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख का चुनना बीजेपी की ओर से वीर सावरकर के प्रति सम्मान देने का संदेश छिपा है, साथ ही कांग्रेस के लिए ये एक पलटवार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।